हम भी एक दिन केदारनाथ आएंगे महादेव, सुना है वहाँ स्वर्ग से हवा आती है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि सब भगतगण चारधाम यात्रा के लिए काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, दोस्तों इसके लिए हमने यह वीडियो बनाया है ताकि आपको एक नई अपडेट दे सकें। दोस्तों, अब भी आप में से कई भक्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। अभी भी आप में से 94% लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अपडेट यह है कि जो कांग्रेस के विधायक मनोज रावत और हरीश धामी जी हैं, उन्होंने विधानसभा में जो है प्रदर्शन किया, वह धरने पर बैठ गए। वे चारधाम यात्रा को खोलने के लिए तथा मोबाइल टावर की समस्या के लिए इस धरने पर बैठे थे, और इसके बाद जो है पुष्कर सिंह धामी जी वहां आए और उन दोनों को धरना ख़त्म करवा कर अपने साथ जो है रूम में ले गए। वहाँ जाकर उनके बीच बात हुई, जिसमें जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उत्तराखंड के सीएम हैं, उन्होंने विश्वास दिलाया कि जो यात्रा है, यात्रा को पुनः शुरू किया जाएगा तथा जो मोबाइल टावर की दिक्कत है उसके लिए भी उन्होंने समाधान दिया। दोस्तों, पूरी खबर यह है, पुष्कर सिंह धामी जी ने आश्वासन दिलाया है कि चारधाम यात्रा को वे खोलने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से स्वयं देखें। विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन है और कांग्रेस के विधायक इस तरह सदन की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। मनोज रावत देखिए, इनके हाथ में एक बैनर है, चारधाम यात्रा शुरू करने की ये मांग कर रहे हैं। मनोज जी, क्या सरकार इतना भी नहीं सुन रही कि आप लोगों को सदन की सीढ़ियों पर बैठना पड़ रहा है? देखिए, सरकार सुन नहीं रही, सरकार लायक कोई चीज़ उत्तराखंड में है ही नहीं, क्योंकि जो सरकार अपना पक्ष कोर्ट में नहीं रख पा रही है। और मेरा साफ साफ कहना है, एक संगठन के नालायक लोगों को वकील बना दिया गया है जो पक्ष अच्छे ढंग से नहीं रख रहे। सरकार जो सरकार जनता द्वारा चुनी गई है, जनता द्वारा बहुमत में आई है, और वो जनता की बात को उच्च न्यायालय के सामने नहीं रख सकती है, तो उस सरकार को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। ने इन दोनों को देखा, मुख्यमंत्री नीचे आए, इन दोनों के तख्तियों को उन्होंने पढ़ा, इन दोनों की समस्याओं पर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा आप दोनों अपना धरना खत्म करिए और मेरे कार्यालय में चलिए। और कार्यालय में जब वो ले गए तो वहाँ मुख्य सचिव एस एस संधू मौजूद थे, इस दोनों मामलों से संबंधित अधिकारी मौजूद थे, और मुख्यमंत्री ने यही वहाँ पर अधिकारी को निर्देश दिए कि मोबाइल कनेक्टिविटी का मामला बहुत ज़रूरी है, नेपाल और चीन की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, आपदा के लिहाज से और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वहाँ पर कनेक्टिविटी रहे। तो मुख्यमंत्री ने निर्देश अधिकारियों को दिया और भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द कनेक्टिविटी शुरू होगी। चारधाम के मामले में भी मुख्यमंत्री ने बात की और कहा है कि अधिकारी इस पर उचित कार्रवाई कर रहे हैं, कोर्ट में भी मजबूती के साथ पक्ष रखा जा रहा है। तो जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, कि इस वीडियो के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी ने आश्वासन दिलाया है कि वे चारधाम यात्रा खोलने के लिए हाई कोर्ट में अपना जो है कड़ा पक्ष रखेंगे। दोस्तों, बाकी यह जो न्यूज चैनल का वीडियो है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी दोस्तों, आप में से जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर यात्रा से जुड़ी वीडियो लेके आते रहते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।